एवं आज जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक जिला पंचायत सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्ष जिला पंचायत नीता कोल ने कहा, बैठक में जिले के अस्पतालों की बदहाली का उन्होंने मुद्दा उठाया गया। इस दौरान महिला व स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष सुमिता सुमन ने सवाल उठाते हुए CMHO से पूछा कि अस्पताल पहुँचते पहुँचते दवा एक्सपायर हो जाती है तो ऐसी दवा की खरीदी क्यों की जाती है जो किसी काम की नहीं होती है और बाद में उस दवा को गड्ढे में दबाया जाता है। इस पर CMHO ने कहा कि दवाएं रीवा से नहीं अपितु भोपाल से खरीदी जाती हैं और जब उनके पास दवा आती है तो अस्पताल में भिजवा दी जाती है। बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने स्वास्थ्य केंद्रों में सफाई को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि शहर के अस्पताल तो साफ हैं लेकिन कस्बाई अस्पतालों में गंदगी रहती है। उन्होंने कहा कि रायपुर कचुलियान की CHC के बाथरूम में खून बिखरा रहता है। उन्होंने अस्पतालों की जाँच के लिए समिति गठित करने कहा और जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति जताई। इसके साथ ही जिले के सिविल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व समस्त डिलीवरी पॉइंट में स्त्री रोग के विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने की बात कही। इसके साथ ही बिजली विभाग, पशुपालन, मत्स्य विभाग योजना की समीक्षा की गई। जिम्मेदार अधिकारियों को अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर की गई और संबंधितों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था महिला बाल विकास में जो हमारी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर केंद्र जो हैं, जो सरकारी केंद्र हैं वो बहुत कम है। जहाँ तीन महिला बाल विकास के वो हैं वहाँ पर सिर्फ एक सरकारी है, बाकी जो दो हैं वो प्राइवेट में चल रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ कि हर समाज के लोग अपने बच्चों को एक पर्टिकुलर घर में भेजना प्रेफर नहीं करते। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ कि जितने भी महिला बाल विकास के जहाँ पर वो महिला बाल विकास का लगाया जाता है केंद्र लगाया जाता है वो सरकारी किया जाए।